अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो में मैं शीशे को इंस्टॉल कर रहा हूँ कर्टन वॉल के अंदर। ये एक कन्वेंशनल सिस्टम है, मतलब जो बाहर से उसका एल्युमिनियम का कवर और कैप नज़र आता है, तो ये हम लोगों ने शीशा उठा के फ्रेम के अंदर इंस्टॉल किया। तो इसको शीशे को हम लोग इसकी कर्टन वॉल की नोज़ल के ऊपर रख के और उसके बाद इसके कवर और प्रेशर प्लेट को ना स्क्रू कर देते हैं। शीशे को सबसे पहले प्रॉपर चेक करना है और जो रोशनी आ रही है टॉप से उसको और बॉटम से जो गैप है इसके नोज़ल के अंदर रख के ना प्रॉपर। बेसिक ये हमारा रेस्ट पॉइंट है और ये वाली दर्द शीशे के लिए है। और ये यूनिट रख के ना अंदर इसके कर्टन वॉल के अंदर और स्क्रू से टाइट कर देते हैं ये वाला। और ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला यूनिट, एक ये और सेकंड ये वाला। और ये स्पाइडर जिसके साथ हम लोग इसको ग्लास को उठाते हैं और इसको मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको अब ये इंस्टॉल हो गया और ये स्पाइडर को खोल लिए, खोल के और किसी और जगह से इस्तेमाल कर देते हैं। बेसिक ये है हमारा ग्लास का यूनिट और जब ये इंस्टॉल हो जाता है और हम लोग इसके साथ इसको ना स्क्रू करके टाइट कर देते हैं। और अभी ये वन साइड है, जब ये वाला पोर्शन का शीशा लग जाएगा तो इसको भी हम लोग स्क्रू के साथ टाइट करके इसके ऊपर कवर चढ़ा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी शीशे की इंस्टॉलेशन। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं, जो पीवीसी रबड़ और पैकिंग, ग्लास की पैकिंग, चाहे वो पीवीसी की हो या वुडन पैकिंग, इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं।